अगर आप लोग ने भी क्रेडिट भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, उसका रिपेमेंट आप लोग नहीं करते हैं, या आप लोग को लग रहा है रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 1,000 का लोन हो, 10,000 का लोन हो, 5,000 का लोन हो, 20,000 का लोन हो, 30,000 का लोन हो, या उससे भी ज्यादा लोन हो, अगर आप लोग इसका रिपेमेंट नहीं करते तो आप लोग के साथ ये लोग क्या क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। पूरे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बात कर ले क्रेडिट वी एप्लीकेशन की, तो क्रेडिट वी एनबीएफसी एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस और लाइसेंस पे चलनी चाहिए। गाइडलाइंस का तो नहीं पता, लाइसेंस पे जरूर चलती है, इसलिए एनबीएफसी कहलाती है ये। बाकी अब बात कर लेते हैं ये आप लोग का क्या बिगाड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग का ये सिविल डाउन कर सकती है, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती है लोग, ये आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो जल्द से जल्द रिपेमेंट कर दे, क्योंकि इन लोग का पैसा अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोग का सिविल डाउन होगा और आप लोग के लिए भी अच्छा नहीं है, क्या फालतू का आप लोग का सिविल डाउन होगा। अगर पैसे नहीं है तब आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वहीं किसी ने फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट दे करके और लोन लिया है तब आप लोग को बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग गंदा फंसने वाले हैं अगर आप लोग ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे करके लोन लिया। अदरवाइज जो जेन्युइन डिफॉल्टर है, किसी कारण की वजह से उन लोगों ने डिफॉल्ट किया है, मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जॉब चली गई है, ऐसे केस में आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। सिंपली आप लोग को कंपनी को मेल करना है, क्रेडिट वी एप्लीकेशन को मेल कर दीजिए कि आपका अभी ये नौकरी चला गया, या आपका फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, या फिर आप लोग के पास अभी पैसे नहीं है, कोई भी जितने जो भी आपका प्रॉब्लम है वो उस पर ईमेल में लिखिए, और आपको कितने वक्त का टाइम चाहिए, कितना वक्त चाहिए आप लोग को रिपेमेंट करने के लिए, बस आप लोग उसमें मेंशन कर दीजिए, अपना लोन अकाउंट नंबर जो होगा वो डाल दीजिए, और आप अपने ऑफिशियल आईडी से उनके ऑफिशियल आईडी पे भेज दीजिए। अदरवाइज उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये लोग तो अगर सुन देते तो अच्छी बात है, ईमेल देख ले तो देख ले, नहीं तो अगर वो लोग ईमेल नहीं देखते तो आप लोगों को सबसे पहले जब भी आप लोग का ड्यू होता है तो आपके कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, कॉल करके आप लोगों को परेशान करेंगे, बोलेंगे जल्द से जल्द रिपेमेंट करें, तो बहुत कॉल आने लगते हैं, 10-12 कॉल एक दिन में, 20 कॉल, कभी कभी 30-30 कॉल आना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, एक कॉल का रिस्पांस करना है और रिकॉर्डिंग ऑन करके रिस्पांस करना है, और उनको सिंपली बोलना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बता दीजिए और आपको कितना वक्त चाहिए वो बता दीजिए, आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो उनको बता दीजिए, आप लोग क्यों नहीं रिपेमेंट कर पा रहे हैं, अगर सुनते तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो आप लोग को दूसरा कॉल रिस्पॉन्स करने की क्या जरूरत है, जब सुन ही नहीं रहे वो आप लोग का प्रॉब्लम, तो आप लोग क्यों कॉल रिसीव कीजिएगा और अपने आपको मेंटली हैरास क्यों कीजिएगा। आप लोग को सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करना है, और आप लोग को उतना मेहनत करना है कि इन लोगों का रिपेमेंट करके सारे झंझट खत्म कर दें। आप लोग बस अपने मेहनत पे काम कीजिए, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, अपना वक्त सिर्फ मेहनत पे लगाइए और कहीं नहीं लगाइए, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए। और आप लोग को यहाँ पे आप लोगों को जब भी कॉल आए कि आप लोग के आपको ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है, या फिर आप लोग को कोर्ट में आना है, या फिर आप लोग को बोला जाए कि आप लोग के ऊपर पुलिस केस किया जाएगा, तो ऐसा आप लोग कभी भी कॉल का रिस्पांस ना करें, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये लोग आप समझ जाइए, ये सब रिकवरी एजेंट जो होते हैं वही सब आप लोग को कॉल करते हैं और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि रिकवरी एजेंट कब आते हैं आप लोग के घर, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिकवरी एजेंट आप लोग के 100% घर आएंगे। किस केस में, जब आप लोग का शहर में अगर घर हो तो 100% आपके घर रिकवरी एजेंट आने वाले, और कब आएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी एक हफ्ता में भी आ जाते हैं किसी किसी के घर, किसी के घर 2 हफ्ता में भी, किसी के 3 हफ्ता, किसी के 1 महीना, किसी के 2 महीना बाद कभी भी आ जाते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि आप लोग को कि इस टाइम पे ही आएंगे, वो शहर टू शहर डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। वहीं अगर आप लोग का घर गांव में है, विलेज में है, तब आप लोग के घर रिकवरी एजेंट बहुत मुश्किल है कि आएंगे, तो इसका आप टेंशन ना लें। अब बात कर लें आपके ऊपर पुलिस केस या फिर आप लोग को लीगल नोटिस जो भेजा जाता है, लीगल नोटिस का क्या सच्चाई है। लीगल नोटिस कुछ नहीं, रिमाइंडर नोटिस होता है, उसको आप लोग को उतना रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी कीजिएगा तो कुछ होने वाला है नहीं आपको, और पुलिस केस वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, FIR आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, इसका टेंशन आप लोग ना लें। तो इस वीडियो में हम लोग ने पूरे डिटेल्स में बात किया है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लोग सिविल खराब करेंगे और कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत अपने काम पे मेहनत करना है, आप लोगों को काम पे अपने पूरा फोकस रखना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इनका पैसा कैसे चुकाएं, कैसे कमाना है,
पैसा और रूप कैसे चुका दे, कैसे चुकाना है उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, हम लोग आपके ऊपर भी इस टॉपिक पे भी वीडियो ला देंगे। तो जितने भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, आप लोग का पूरा पूरा सॉल्यूशन निकाला जाएगा। चलते इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।